हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ऑफ नरेंद्र पे। देखिए, अगर आप बिना किसी सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो कैसे करें, ये जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने जा रहा हूँ। देखिए, जो मैं बताने जा रहा हूँ वो पूरी तरह स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर आप कोई सॉफ्टवेयर जैसे कि अगर आप नोट पैड की रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो वो आप कर पाएंगे, या फिर कोई गेम चल रहा है केवल उसी की रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे, या फिर कोई यूट्यूब जैसा आप ब्राउज़र ओपन करके यूट्यूब पर कोई वीडियो देख रहे हो और आप चाहते हैं इसको रिकॉर्डिंग कर लो तो वो आप कर पाएंगे बिना किसी सॉफ्टवेयर के। तो ये कैसे करना है ये जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप ऑल सेटिंग अंदर आइए और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा गेमिंग, इस पर क्लिक कर लीजिए। ठीक है, इस पर क्लिक करने बाद में एक ऑप्शन आता है कैप्चर, इस पर क्लिक कर लीजिए। एक गेमिंग आने बाद में फर्स्ट सॉरी गेमिंग में आने बाद जो ये लिख रखा है रिकॉर्ड गेम क्लिप स्क्रीनशॉट ब्रॉडकास्ट यूजिंग गेमिंग बार, इसको ऑन कर लीजिए। ठीक है, उसको ऑन करने के बाद में कैप्चर पर चलाइए। यहाँ पर आने के बाद में आप जो इसके फ्रेम है वो 30 भी कर सकते हैं, 60 भी कर सकते हैं। 60 करेंगे तो और अच्छी रिकॉर्डिंग तो क्या होगी, 60 फ्रेम पर सेकेंड रिकॉर्डिंग करेगा जो दिखने में बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पर आप कहाँ पर सेव करना चाहते हैं वो जगह दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम कुछ ओपन कर लेते हैं। ब्राउज़र को, ठीक है, अगर आप कुछ ब्राउज़र से रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो इस ब्राउज़र से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप कोई जिसकी आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं उस सॉफ्टवेयर को या उस ऐप को या उस वेबसाइट को ओपन कर लीजिए और विंडोज़ जी बटन दबाइए। ठीक है, विंडोज़ जी बटन दबाने के बाद में एक ऐसी सेटिंग ओपन हो जाएगी, उसके बाद में उसके सेटिंग में आइए और यहाँ आने के बाद में कैप्चर पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको गेम ऑन नहीं होगा, आपको यहाँ पर ऑल करना है। ठीक है, ऑल कर लेना है और उसके बाद में इसको कैंसिल कर लेना है और जो वॉल्यूम है इन सबको ऑन कर लेना है। उसके बाद में इसको यहाँ से ये जो देख रहे हैं ना स्टार्ट रिकॉर्डिंग, इस पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे स्टार्ट रिकॉर्डिंग करेंगे ये रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। देखिए, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल आप नया टैब खोलेंगे तो ये दिखाएगा नया टैब। ठीक है, ये आपको दिखाएगा और जैसे ही आप इसको मिनिमाइज करेंगे तो ये देखिए ये रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी, ये बता दिया। अब इस रिकॉर्डिंग देखेंगे ना 19 ये वाली है शायद। अब जैसे स्टार्ट रिकॉर्डिंग करेंगे ये रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। देखिए, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल नया टैब खोलेंगे तो ये दिखाएगा न्यू टैब, जो मैं टैब खोल रहा हूं ये बता रहा है नया टैब। ठीक है, ये आपको दिखाएगा। और इसके अलावा जैसे कोई सॉफ्टवेयर है जैसे कि मैं ओपन कर लेता हूँ, जैसे कोई सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं जैसे कि हम ओपन कर लेते हैं जैसे ये हिंद खोज एक सॉफ्टवेयर है, हिंदी डिक्शनरी, अगर केवल इसी की रिकॉर्डिंग करनी है तो हम ये कंट्रोल जी बटन दबाएंगे, ये आ जाएगा। देखिए, इसके ऊपर आप नोटिस करना ये ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ गया है हिंद खोज हिंदी डिक्शनरी, यानी इसकी ये रिकॉर्डिंग करेगा। ठीक है, तो अब जैसे करेंगे तो इसकी करेगा, ऐसा आया तो उसको हटा देना। ठीक है, इसको एनेबल कर लेना, एनेबल। एक मिनट दोस्तों, इसको बड़ी स्क्रीन करनी पड़ेगी क्योंकि मिनिमाइज स्क्रीन इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा है, फुल स्क्रीन होने चाहिए। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, रिकॉर्डिंग करना है कर रहा। अगर इसका आप ऊपर कुछ खोल देते हैं नोटपैड तो ये नोटपैड की नहीं करेगा, केवल इसी करेगा। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, मिनिमाइज किया, ये स्टॉप हो गई। वो देखिए, मैं बता देता हूँ आपको, ये देखिए। अब जैसे ये वाली नहीं है दोस्तों, ये वाली है, रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा है, फुल स्क्रीन होने चाहिए। बीच में इसके नोटपैड ओपन खोल देते हैं, नोटपैड नहीं दिखाएगा। देखिए, नोटपैड इसके अंदर जो होगी फुल स्क्रीन में वही रिकॉर्डिंग करेगा। तो इसके द्वारा दोस्तों आप इसका उपयोग कहां कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप कोई आपके ब्राउजर पर वीडियो चल रही है ऑनलाइन तो उसको रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, या कोई सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ बताना है तो उसके लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये केवल बिना सॉफ्टवेयर के है और आपके कोई
कोई किसी किसी को रिकॉर्डिंग करता है, मतलब ये डेस्कटॉप को नहीं करता है और फाइल एक्सप्लोरर को नहीं करता है, सॉफ्टवेयर की रिकॉर्डिंग करता है। तो अगर आपको कहीं कहीं कभी कभी जरूरत पड़ती है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।